भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च ISRO यानी कि इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में PSLV-C55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। एविएशन दुर्घटनाओं और खोज और बचाव ऑपरेशन में भी ये सहायक होगा। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है अंतरिक्ष के लिहाज से, और हाल के वर्षों में हमने देखा है कि भारत लगातार अंतरिक्ष में न सिर्फ अपने देश के उपग्रह छोड़ता है बल्कि विभिन्न देशों के उपग्रहों को अंतरिक्ष में पहुंचाने का काम भी भारत की ओर से किया जाता है। तो आज का दिन भी काफी महत्वपूर्ण है। सिंगापुर के एक उपग्रह टेलियोस 2 को अंतरिक्ष में पहुंचाया जाएगा भारत के द्वारा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा। और 750 किलोग्राम का ये उपग्रह है, इसमें सिंथेटिक अपर्चर रडार टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। काफ़ी महत्वपूर्ण आज का ये जो लॉन्चिंग है आज की। आयुर्वेद में मिलेट्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है। मिलेट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जो शरीर को सही पोषण प्रदान करते हैं। मिलेट्स के कई रूप हैं। मिलेट्स ये छोटे बीज वाले अनाज की वैरायटी है जो कि दुनिया भर में हजारों साल पहले से ही उगाई जा रही है। हमने ये देखा है कि ह्यूमन हेल्थ और प्लैनेट हेल्थ दोनों के लिए ये बहुत लाभदायक है। तो मिलेट्स फिर से हमारे डेली डाइट में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस लाए जाएं। तो मिलेट्स की 3 वैरायटी होती हैं, मेजर मिलेट्स जो ज्वार बाजरा रागी है, और लिटिल मिलेट्स जो जिन्हें हम झंगोरा चीना के नाम से जानते हैं, और सूडो मिलेट्स जो मिलेट्स की तरह हैं जो कि चौलाई और कुट्टू का आटा बना करके हम उपयोग करते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से सभी आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से पहुंच जाते हैं, और जितनी मात्रा में उनकी जरूरत होती है हमारा शरीर उतनी मात्रा को अवशोषित कर लेता है और बाकी मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मिलेट्स का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में लाभदायक है। एक तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत और राइस और वीट के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, और फाइबर के हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो कई सारे हैं। ये सिर्फ पेट की बीमारियों के लिए नहीं लेकिन इम्यूनिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, मिलेट्स को उपयोग करने के वजह से डायबिटिक्स में जो ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव होता है वो कम हो सकता है। तीसरी बात है कि इनमें मिनरल्स की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, जैसे आयरन की मात्रा, कैल्शियम की, फॉस्फोरस की, मैग्नीशियम की, ये सभी मिनरल्स
मिलेट्स में ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू से राइस एंड वीट। चौथा पॉइंट जो कि फायदेमंद है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियक डिजीज से जो लोग जिससे पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटेन फ्री आहार की जरूरत होती है, तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। आजकल के जीवन शैली में बीमारियों के बढ़ते खतरे के बीच मिलेट्स का सेवन फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मिलेट्स वो अनाज है जो हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। मिलेट्स का सेवन नियमित रूप से कीजिए और स्वस्थ रहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। तो बहुत मशहूर हुई थी, लेकिन आपने जब जामतारा में जाकर के देखा आपकी टीम ने और 21,000 से ज्यादा सिम जब आपके हाथ लगे तो पूरा क्या माजरा था, किस तरह का रिएक्शन था उस समय? देखिए, जब शुरुआत हुई तो इसमें ये आया कि एक हमारे जो कंप्लेनेंट हैं उसके 10 लाख रुपए कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद चले गए, तो जब उसको सॉल्व करना शुरू किया तो पता चला कि जो नंबर हैं ये जामतारा में चल रहे हैं, तो वहाँ पे टीम पहुँची और लोकल पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके चलते जो है वहाँ से 5 एक्यूज़ हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिनके पास से 34 फ़ोन हमें मिले और बाकी सिम कार्ड भी इस्तेमाल जो हो रहे थे वो मिले। तो उसके तहत फिर आगे तफ्तीश करते हुए पहुँचे तो ये पता चला कि सिम कार्ड जो है ये वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद से, नसीम नाम का एक आदमी है जो दे रहा है। तो जब उसके यहाँ रेड हुई तो 21,000 करीब सिम उसके पास से मिले।
जिस तरह से ये लोग क्राइम को कंडक्ट करते थे, बताते थे काफी नए लड़के हैं, उम्र भी कम है और डिस्परेटली इसी काम में लग रहे थे। जब आप वहाँ पहुंचे, आपकी टीम पहुंची, तो क्या माहौल आपने देखा जामतारा में और कहाँ से सिम लेकर के आते थे? देखिए, माहौल तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है इसी तरह का है, क्योंकि घर घर में बताते हैं यही काम हो रहा है। हालांकि अब वो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आए, काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर दराज के इलाके में ये लोग थे। तो जैसा मैंने कहा, लोकल पुलिस का काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा, और बाकी जो बातचीत करके समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे कई इस तरह के गैंग चल रहे हैं जो इसी तरह में लिप्त हैं, और काफ़ी नए लड़के हैं जो यही चीज़ कर रहे हैं और सीख रहे हैं। आपके लिए क्या नया इनपुट था जब आपने इसको क्रैक करने की कोशिश करी कि काफ़ी लंबा एक गैंग हो सकता है, क्या आपको क्लू मिला? देखिए, क्लू जो है सबसे पहले तो यही था कि इतने सारे सिम कार्ड ये लोग लाते कहाँ से हैं, क्योंकि ये मिस्ट्री बनी रहती है कि किससे लिया, कैसे किया। तो उस पे काम करते हुए जो है, जो सिम कार्ड वाला एंगल है, वो हम लोगों ने काफ़ी उस पे ध्यान दिया, और बड़ी मुश्किल से जो है रिजी नगर से हम लोग इसको लेके आ पाए। कितने केस वर्कआउट हुए, कितने लोग इसमें पकड़े गए? देखिए, इसमें अभी तक जो है एनसीआरपी पोर्टल, जो कि पैन इंडिया पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जहां पे साइबर क्राइम हम लोग रिपोर्ट कर सकते हैं, उस पे 77 केसेस तो हमारे वाले मॉड्यूल से ही कनेक्ट हुए हैं कि इन लोगों ने फ्रॉड किया है। तो 77 तो हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। तो ये थे रवि कुमार, जो बता रहे थे कि कितने सारे केस वर्कआउट हुए और कितना बड़ा ये गैंग है, इसका भी आगे जाँच में पता लगेगा। कैमरा जगपाल के साथ में मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज दिल्ली।
मैंने कभी भी खेती में रसायन का प्रयोग नहीं किया है, हमेशा गाय भैंस का मल ही प्रयोग किया है। मैं रसायन का प्रयोग करने से दूसरों को भी मना करता हूं। भारत सरकार ने मुझे जो सम्मान दिया है वो मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। मुझे लगता है कि यह सम्मान सिर्फ मेरा नहीं बल्कि इस जमीन का भी है। देश में जितने भी किसानों को यह सम्मान मिला है मैं सबके लिए बहुत खुश हूं। मुझे पद्मश्री मिलने से सभी लोग बहुत खुश हैं। मैंने अपने बच्चों को भी हमेशा सिखाया है कि कभी भी रसायन का प्रयोग नहीं करना, हमेशा प्राकृतिक खाद प्रयोग करना, जिससे स्वास्थ्य सही रहेगा। झारखंड के ग्रामीण जीवन शैली, आर्थिक क्रियाकलाप और देश के गौरव को रंगों और कूचे से जीवंत करने का नाम है सोहराई पेंटिंग। इस क्षेत्र में जाना माना नाम है जयश्री इंदवार का। आज से करीब 18 वर्ष पूर्व इन्होंने कुछ ग्रामीण महिलाओं को साथ लेकर सोहराई चित्रकला को सम्मान और पहचान दिलाने की मुहिम शुरू की थी। कारवां बढ़ने के साथ साथ कुनबा भी बड़ा होता चला गया और इस कला के जरिए आज इनसे जुड़ी सैकड़ों महिलाओं का परिवार चल रहा है। गांव की जितनी भी महिलाएं उन लोगों को सिखा करके फिर ये पेंटिंग हम लोग कपड़े पे और हैंडमेड शीट पे करते थे। तो करते करते हम लोग धीरे धीरे जब परिस्थिति कुछ ऐसी हो गई कि हमें उसमें काम नहीं मिलने लगा तो फिर हम लोग वॉल पे काम करने लगे और फिर कारवां बढ़ते चला गया। जयश्री बताती हैं कि एक ऐसा भी दौर आया जब वे काफी निराश और हताश हो चुकी थी। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हौसला अफजाई ने उन्हें और सोहराई कला से जुड़े दूसरे कलाकारों को एक नया जीवन दिया। आज जयश्री की टीम को सरकारी भवनों से लेकर रेल स्टेशनों पर अपना हुनर दिखाने का भरपूर अवसर मिल रहा है।
और एक प्रधानमंत्री जी जब नरेंद्र मोदी जी जब आए तो उनका एक संदेश आया कि स्वच्छ भारत अभियान, तो उस समय हम लोगों को एक मौका मिला क्योंकि वो उसी समय हजारीबाग रेलवे स्टेशन आए थे और वहाँ सोहराई पेंटिंग हुआ था, तो ये देख के उनको बहुत अच्छा लगा। कला का सम्मान होता है तो कलाकारों का उत्साह बढ़ता है। जयश्री इंदवार और उनकी टीम को तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और रेल मंत्री पीयूष गोयल के हाथों सम्मान मिला ही है और भी कई पुरस्कार इन्होंने अपने नाम किए हैं। अपराजिता सम्मान जो हमें द्रौपदी मुर्मू के हाथों द्वारा मिले, फिर रेलवे में अच्छा एक आदिवासी महिला होने के नाते जो काम कर रहे हैं उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमको दिल्ली बुलाया गया और वहाँ रेल मंत्री पीयूष गोयल थे उस समय, उनके हाथों मुझे सम्मानित किया गया। इनके साथ जुड़कर साथी कलाकारों का जीविकोपार्जन भली प्रकार तो हो ही रहा है, उन्हें समाज में एक पहचान भी मिल रही है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है, ऐसे झारखंड में सोहराई पेंटिंग चलता है कल्चर, तो हम लोग सब मिलके ग्रुप मिलके सोहराई और कल्चर पेंटिंग करते हैं। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में होती है पेंटिंग, बहुत अच्छा लगता है, काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और ये सोहराई पेंटिंग वगैरह जो कल्चरल है वो हम लोग को दिखाने का कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को बहुत जगह मिला है जैसे कि सीकेपी और रालकेला, आसनसोल, अगलसुगड़ा और बहुत जगह जाके किए हैं। सोहराई झारखंड की प्राचीन चित्रकला है। एक दौर था जब इस कला ने गुफाओं की दीवारों से निकलकर घरों की दीवारों पर जगह बना ली थी, लेकिन एक दौर वह भी आया जब यह भारी उपेक्षा का शिकार हुई। हालांकि अपने हजारीबाग दौरे के क्रम में जब प्रधानमंत्री श्री मोदी ने इसकी तारीफ की तब इसके दिन बहुरने लगे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। कोडरमा में प्रोजेक्ट रेल के तहत हर शनिवार सरकारी स्कूल के बच्चों का टेस्ट लेकर उनका मूल्यांकन किया जाता है, जबकि प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दूसरी गतिविधियों में भी निपुण बनाया जा रहा है। इन दोनों प्रोजेक्ट के जरिए कोडरमा की सरकारी शिक्षा व्यवस्था लगातार बेहतर हो रही है। पिछले साल भी मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में कोडरमा पूरे राज्य में टॉप पर था और अब यही मॉडल पूरे राज्य में सरकारी शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अपनाया जाएगा। कि निश्चित तौर पे यहाँ जो काम हो रहा है और उसका जो है प्रतिफल दिख रहा है रिजल्ट ग्रुप में कि अब 10 में और 12 में जो है कोडरमा जिला टॉप है, तो क्यों है ये आकर के यहाँ समझ में आया पहली बार कि वो इसलिए है कि जो प्रोजेक्ट इम्पैक्ट है वो मतलब सेल्फ मोटिवेट कर रहा है बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है, और उसका जो अनुशासन डेवलप कर रहा है और अनुशासन आज के टाइम पर सबसे ज़रूरी चीज़ है। अगर कोई बच्चे को अनुशासित कर सकते हैं तो ऑटोमेटिकली वो पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ दिनों पहले कोडरमा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जिले के सरकारी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नो कॉस्ट और लो कॉस्ट पर मूलभूत सुविधाओं की सराहना करते हुए इसे पूरे राज्य में लागू करने की घोषणा की थी। इस बाबत 7वीं जेपीएससी पास 38 शिक्षा अधिकारी और शैक्षिक अनुसंधान परिषद के 10 अधिकारियों ने कोडरमा के कई स्कूलों का मुआयना किया और वह प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट के तहत बच्चों को दी जा रही शिक्षा को नज़दीक से जानने का प्रयास किया। सपने वो होते हैं जिसको जागती आंखों से देखा जाए, और जब हम कोडरमा आए ट्रेनिंग पर्पज़ से, जब यहाँ का मॉड्यूल हमारे लिए सेट किया गया था, तो उन सपनों को ही हमने यहाँ पर साकार होते हुए देखा, तो ड्रीम कम्स ट्रू।
ये एक्चुअली यहाँ पे हमने फील किया। और झारखंड एजुकेशन सर्विस ज्वाइन करने से पहले एक्चुअली इन्हीं सपनों के साथ हमने ज्वाइन किया था, और बहुत अच्छा लगता है जो आपके सपने हैं उनको आप धरातल पर उतरते हुए देख। नवनियुक्त शिक्षा अधिकारियों ने यहाँ 2 दिनों में कई स्कूलों का भ्रमण करते हुए वहाँ चलाए जा रहे कार्यक्रमों का मुआयना किया। भ्रमण कार्यक्रम के अंतिम चरण में उपायुक्त ने शिक्षा अधिकारियों के साथ 1 घंटे का ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी किया, जिसमें प्रोजेक्ट रेल और प्रोजेक्ट इम्पैक्ट से जुड़ी बारीकियां बताई। उपायुक्त आदित्य रंजन ने कहा कि पूरे राज्य में कोडरमा के मॉडल को अपनाया जा रहा है, यह गर्व की बात है। पूरा भरोसा है कि ये लोग अपने अपने जिलों में जहाँ भी कार्यरत होंगे वहाँ कोशिश करेंगे कि इम्प्रूवमेंट करें, और जो कोडरमा में हम लोगों ने किया है उससे और बेहतर प्रदर्शन लोग अपने अपने जिलों में करें, इसी आशा के साथ हम लोगों का एक ओरिएंटेशन किया है। लगभग 7-8 स्कूल भी विजिट कराए हैं और हमें पूरा भरोसा है कि लोग अच्छा। कोडरमा जिले के तमाम सरकारी स्कूलों में प्रोजेक्ट रेल और इम्पैक्ट के बाद न सिर्फ बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है, बल्कि सरकारी स्कूलों में ऐतिहासिक उपस्थिति भी बढ़ रही है। सरकारी स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति और उनकी लगन को देखकर नवनियुक्त शिक्षा अधिकारी भी अपने अपने पदस्थापन वाले जिले में इसके अनुपालन की बात कही। कोडरमा से गजेंद्र बिहारी की रिपोर्ट।
संताल परगना में करीब 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाला मामले में फरार चल रहे दाहू यादव के पिता पशुपति यादव को गसाईबगंज की नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दाहू के पिता की गिरफ्तारी को लेकर ईडी स्पेशल कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। पुलिस उसे रांची लाकर ईडी कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने प्रोक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है। ईडी ने जो प्रोक्यूशन कंप्लेंट दाखिल किया है उसमें वीरेंद्र राम के अलावा टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिनके हक एवं अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े 50% से अधिक जनसंख्या वाले ओबीसी समुदाय को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय जाधव ने जिले के स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आईसी बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग तथा शत प्रतिशत प्लेसमेंट का निर्देश स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को दिया। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ तकनीकी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति, निर्माण कार्य और भुगतान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी जिले के रनिया एवं खूंटी प्रखंड में आयोजित सिकल सेल अनिमिया जागरूकता शिविर सह कार्यशाला में सिकल सेल स्क्रीनिंग संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। आगामी 25 अप्रैल को बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन में काउंसलिंग शिविर का आयोजन कर व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है। पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के सीएचसी में आयोजित दिव्यांगता सह पेंशन शिविर में 48 दिव्यांगजनों की जांच में 20 लोग 40% से ऊपर दिव्यांग पाए गए। वहीं बागबेड़ा के कैंप में 29 लोगों की जांच हुई, 40% से ऊपर दिव्यांग की संख्या 7 रही। कैंप में आए सभी ग्रामीणों से पेंशन के आवेदन लिए गए। हजारीबाग जिले के पदमा स्थित चमेली खदान से एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खदान में डूबे युवक का शव को ढूंढ निकाला है। युवक गुरुवार को खदान में नहाने के दौरान डूब गया था।
2193 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.29% दर्ज किया गया, दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.17% दर्ज की गई। देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है। तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है।
रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले। आज अक्षय तृतीया है। हिंदू धर्म में आज के दिन की काफी मान्यता है। लोग आस्था और श्रद्धा के साथ गंगा समेत देश की तमाम पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। तो प्रधानमंत्री की ओर से भी अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी गई हैं देशवासियों को। लगातार हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट पे क्या कुछ लिखा है। और आपको बता दें कि देश की तमाम नदियों में आज स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। काफी महत्वपूर्ण हिंदू धर्म में आज के दिन को माना जाता है अक्षय तृतीया का दिन। आज का दिन सोना खरीदने के लिए भी शुभ माना जाता है। तो ये आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। पूरे देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा जो हम लोगों के राज्य में शेडो एरिया है, पलामू गढ़वा क्षेत्र, वहां जो अभी पाइपलाइन द्वारा संचालित सिंचाई जाता है और उसमें उस दिन एक विशेष कार्य भी होता है जो सज्जादान के रूप में उसको किया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन महाश्रृंगार के दिन बाबा बैद्यनाथ जी का श्रृंगार होने के उपरांत बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा को आवाहित किया जाता है
उनको सज्जा पर सुनाया जाता है और उस दिन माँ जगदम्बा और भोलेनाथ बाबा के मंगला खंड में ही वो विश्राम करते हैं और उस दिन अक्षय तृतीया के दिन बहुत ही श्रद्धालु बाबा मंदिर में इस श्रृंगार को देखने के लिए आते हैं और स्थानीय पुरोहित इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ यह महाश्रृंगार मनाया जाता है। शुभ नाम बताएं। मेरा नाम सच्चिदानंद झा उर्फ बाबा झा सरदार पंडा प्रतिनिधि। हो जाएगी। चार धाम की इस पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 और 27 अप्रैल को खुलेंगे। भगवान श्रीहरि विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम का आज प्रकटोत्सव है। हर वर्ष वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान हैं। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। और इस पर भी प्रधानमंत्री की ओर से ट्वीट किया गया है। ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। गांवों में नमाज अता की जा रही है। दिल्ली की जामा मस्जिद में ईद की नमाज के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटे। ईद के अवसर पर लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे हैं। पवित्र रमजान माह के अंतिम शुक्रवार को कल अलविदा नमाज अता की गई। ईद की पूर्व संध्या पर लोगों ने जमकर खरीदारी भी की। खाड़ी देशों में ईद कल मनाई गई थी। और प्रधानमंत्री ने ईद उल फितर के मौके पर ट्वीट किया है। उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ईद उल फितर की बधाई, हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना और मजबूत हो। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करता हूं।
जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम है जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, पृथ्वी को हमने सजीव माना है।
मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 अप्रैल सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री जी के मन की बात का 100वां एपिसोड आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। प्रधानमंत्री जी के मन की बात के 100वें एपिसोड के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, मन की बात का 100वां एपिसोड रविवार 30 अप्रैल सुबह 11 बजे। ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को पूछताछ के लिए 24 अप्रैल को फिर बुलाया। शहर से बाहर होने के कारण कल नहीं हो सके पेश। निबंधन कार्यालय से कई दस्तावेज जब्त। सचिवालय घेराव मामले में धुरवा थाने के नोटिस का जवाब देने के लिए आज हाजिर होंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी देंगे जवाब। झारखंड समेत देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी ईद की बधाई। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 27 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना। मौसम में बदलाव से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा तापमान। लोगों को गर्मी से मिली राहत। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त और समाज कल्याण विभाग के निदेशक छवि रंजन के समय देने की मांग को खारिज कर दी है। उन्हें 24 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। इससे पूर्व ईडी ने समन जारी कर 21 अप्रैल को ही छवि रंजन को पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन वे शहर से बाहर होने के कारण पेश नहीं हो सके। इधर ईडी की टीम ने कल देर शाम रांची निबंधन कार्यालय पहुंची और जमीन घोटाले से जुड़े कई दस्तावेज जब्त किए। इस दौरान ईडी की टीम ने निबंधन कार्यालय से बड़ागाई अंचल में सेना की जमीन, चेशायर होम रोड की जमीन और कांके अंचल में गड़बड़ी कर निबंधित कराई गई जमीन के कागजात हासिल किए।
पिछले 11 अप्रैल को सचिवालय घेराव मामले में धुर्वा थाने के नोटिस का जवाब देने के लिए आज प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश हाजिर होंगे। इस दौरान विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी मौजूद रहेंगे। इधर श्री प्रकाश ने कहा कि सभी लोग पूछताछ के लिए हाजिर होंगे और सभी सवालों का संवैधानिक रूप से जवाब देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा जन भावनाओं के अनुरूप सदन से सड़क तक राज्य सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और वादा खिलाफी को उजागर करने के लिए संकल्पबद्ध है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 12,193 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। 12,193 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.66% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 5.29% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 6.17% दर्ज की गई। इधर कोविड से बचाव को लेकर देश भर में टीकाकरण अभियान भी जारी है। देश में अब तक 220 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक अहम माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। पूर्वी सिंहभूम जिले के साक्ची थाना क्षेत्र अंतर्गत काशीडीह गोल चक्कर के पास स्थित एक होटल में कल रात अचानक आग लग गई। इससे अफरा तफरी का माहौल उत्पन्न हो गया। बाद में अग्निशमन विभाग, टाटा स्टील और टाटा पावर की 3 दमकल गाड़ियों की मदद से आग पर काबू पाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को मन की बात कार्यक्रम के 100 एपिसोड के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। सुझावों को टोल फ्री नंबर 1800-1178-00 पर मिस कॉल देकर रिकॉर्ड कराया जा सकता है। माई गॉव फोरम या नमो ऐप पर भी लोग अपने सुझाव दे सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मन की बात 100वें पड़ाव पर जन संवाद का अद्वितीय मंच। देश के मुद्दों पर देशवासियों से बात, मन की बात, भारत की संस्कृति और विरासत के प्रति नव जागरण, आह्वान जो बन गए जन आंदोलन। संकट के समय आत्मबल, अनगूंज वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र की इस अनुपम यात्रा की पूरी कहानी 5 कड़ियों में केवल डीडी न्यूज पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई 2021 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में रिकॉर्ड फसल उत्पादन का जिक्र किया था। क्या आपको पता है कि इस महामारी में भी हमारे किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन किया है? तो इस बार देश ने रिकॉर्ड फसल खरीदी भी की है। इस बार कई जगहों पर तो सरसों के लिए किसानों को एमएसपी से भी ज्यादा भाव मिला है। रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन की वजह से ही हमारा देश हर देशवासी को संबल प्रदान कर पा रहा है। आज इस संकट काल में 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि गरीब के घर में भी कभी ऐसा दिन न आए जब चूल्हा न जले।
झारखंड समेत देश भर में आज अक्षय तृतीया का त्यौहार मनाया जा रहा है। लोगों का मानना है कि ये पर्व जीवन में सौभाग्य और सफलता लाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया का पर्व मनाया जाता है। शास्त्रों में अक्षय तृतीया को युगादि तिथि भी कहा गया है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन से कई युगों की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय तृतीया का धार्मिक दृष्टि से बड़ा महत्व है। आज के दिन सोना खरीदना बहुत शुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया पर देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ का महाश्रृंगार मंदिर के सरदार पंडा द्वारा किया जाएगा। ये परंपरा वर्षों पुरानी है जिसका निर्वहन हो रहा है। मान्यताओं के मुताबिक अक्षय तृतीया पर होने वाला महाश्रृंगार और सज्जादान की परंपरा का निर्वहन हर हाल में सरदार पंडा ही करते रहे हैं। लगाया जाता है और उसमें उस दिन एक विशेष कार्य भी होता है जो सज्जादान के रूप में उसको किया जाता है। कहा जाता है कि उस दिन महाश्रृंगार के दिन बाबा बैद्यनाथ जी का श्रृंगार होने के उपरांत बाबा भोलेनाथ और माँ जगदम्बा को आवाहित किया जाता है, उनको सज्जा पर सुलाया जाता है और उस दिन माँ जगदम्बा और भोलेनाथ बाबा के महिला खंड में ही विश्राम करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अक्षय तृतीया पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी है। तो आप देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। उन्होंने लिखा है कि अक्षय तृतीया की बहुत बहुत बधाई। मेरी कामना है कि दान पुण्य और मांगलिक कार्य के शुभारंभ की परंपरा से जुड़ा ये पावन पर्व हर किसी के जीवन में सुख समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य लेकर आए। तो प्रधानमंत्री की ओर से ये ट्वीट किया गया है। पूरे देशवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं और बधाई दी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को अक्षय तृतीया की शुभकामनाएं दी है। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में सभी के स्वस्थ, सुखी और समृद्धि की कामना की है। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट आज से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। पावन यात्रा के लिए श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के कपाट आगामी 25 और 27 अप्रैल को खुलेंगे। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। संताल परगना में करीब 1,000 करोड़ रुपए के अवैध खनन घोटाला मामले में फरार चल रहे दाहू यादव के पिता पशुपति यादव को गसाहिबगंज की नगर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दाहू के पिता की गिरफ्तारी को लेकर ईडी स्पेशल कोर्ट से वारंट जारी हुआ था। पुलिस उसे रांची लाकर ईडी कार्यालय में प्रस्तुत करेगी। जेल में बंद ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने प्रोक्यूशन कम्प्लेन दाखिल किया है। ईडी ने जो प्रोक्यूशन कम्प्लेन दाखिल किया है उसमें वीरेंद्र राम के अलावा टेंडर मैनेज कर अवैध कमाई करने वाले लोगों के बारे में भी जानकारी दी गई है। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने कहा है कि ओबीसी समाज के साथ अन्याय किया जा रहा है, जिनके हक एवं अधिकारों को लेकर संघर्ष जारी रहेगा। उन्होंने कहा है कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछले 50% से अधिक जनसंख्या वाले ओबीसी समुदाय को उनकी संख्या के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लातेहार जिले के चंदवा थाना क्षेत्र में नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म और उसकी हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। पुलिस ने इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त विजय जाधव ने जिले के स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने आईसी, बच्चों और अभिभावकों की काउंसलिंग तथा शत प्रतिशत प्लेसमेंट का निर्देश स्किल ट्रेनिंग पार्टनर्स को दिया। साहेबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव ने विभिन्न विभागों के वरीय पदाधिकारियों के साथ तकनीकी विभाग द्वारा क्रियान्वित योजनाओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने योजनाओं के अंतर्गत हुई प्रगति, निर्माण कार्य और भुगतान से संबंधित आवश्यक दिशा निर्देश दिए। खूंटी जिले के रनिया एवं खूंटी प्रखंड में आयोजित सिकल सेल अनिमिया जागरूकता शिविर सह कार्यशाला में सिकल सेल स्क्रीनिंग संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। आगामी 25 अप्रैल को बिरसा कॉलेज बहुउद्देशीय भवन में काउंसलिंग शिविर का आयोजन कर व्यापक स्तर पर लोगों को जागरूक करने का उद्देश्य है।
पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड के सीएचसी में आयोजित दिव्यांगता सह पेंशन शिविर में 48 दिव्यांगजनों की जांच में 20 लोग 40% से ऊपर दिव्यांग पाए गए। वहीं बागबेड़ा के कैंप में 29 लोगों की जांच हुई, 40% से ऊपर दिव्यांग की संख्या 7 रही। कैंप में आए सभी ग्रामीणों से पेंशन के आवेदन लिए गए। हजारीबाग जिले के पदमा स्थित चमेली खदान से एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद खदान में डूबे युवक का शव को ढूंढ निकाला है। युवक गुरुवार को खदान में नहाने के दौरान डूब गया था। भगवान विष्णु के दशावतारों में से एक भगवान परशुराम जी की जयंती आज मनाई जा रही है। प्रत्येक वर्ष वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को परशुराम जयंती मनाई जाती है। माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भगवान श्री परशुराम का प्रकटोत्सव बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और मां रेणुका की संतान है। परशुराम जी भगवान शंकर के अनन्य भक्त थे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें कई अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे। फरसा भी उन्हीं में से एक था। फरसा को परशु कहा जाता है, इसलिए परशु मिलने के बाद उनका नाम परशुराम हुआ। ऐसा कहा जाता है कि परशुराम जी 7 चिरंजीवी में से एक हैं और आज भी धरती पर जीवित मौजूद हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परशुराम जयंती पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। यह है, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है जो हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लिखा है कि आप सभी को भगवान परशुराम जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्होंने लिखा है कि मेरी कामना है कि उनकी कृपा से हर किसी का जीवन साहस विद्या और विवेक से परिपूर्ण हो। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को भगवान परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपने शुभकामना संदेश में कहा है कि न्याय ज्ञान शक्ति और साहस के प्रतीक भगवान परशुराम जी की कृपा सभी पर बनी रहे। झारखंड समेत देशभर में आज ईद उल फित्र का त्यौहार श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ईद पर श्रद्धालुओं ने मस्जिदों और ईदगाहों में नमाज अदा की और एक दूसरे को बधाई दी। इधर राजधानी रांची समेत राज्यभर में ईद का त्यौहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर मुस्लिम धर्मावलंबी मस्जिदों और ईदगाहों में ईद की विशेष नमाज अदा की। आज के विभिन्न ईदगाहों में भी ईद की नमाज अदा की गई और सुख शांति और अमन की दुआएं मांगी गईं। ईद को लेकर राजधानी रांची समेत पूरे राज्य में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उधर पूर्वी सिंहभूम जिले में भी हर्षोल्लास के साथ ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है। ईद पर हिंदू मुस्लिम सहित सभी धर्मों के लोगों ने एक दूसरे को ईद की बधाई दी और सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पेश की। इस दौरान लोगों ने एक दूसरे से भी भाईचारा बनाकर राष्ट्र को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। संताल परगना के पाकुड़ जिले में भी ईद का त्यौहार शांतिपूर्ण माहौल में मनाया जा रहा है। शहरी एवं ग्रामीण इलाकों के दर्जनों ईदगाहों एवं सैकड़ों मस्जिदों में मुस्लिम धर्मावलंबियों ने सामूहिक नमाज अदा की और देश की तरक्की एवं अमन चैन की दुआएं मांगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई राजनेताओं ने देशवासियों को ईद की बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। ईद उल फितर के मौके पर ट्वीट किया है, उन्होंने देशवासियों को बधाई दी है। ये आप देख सकते हैं, ये प्रधानमंत्री का ट्वीट है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि ईद उल फितर की बधाई, हमारे समाज में सद्भाव और करुणा की भावना और मजबूत हो। मैं सभी के अच्छे स्वास्थ्य और कल्याण की प्रार्थना करता हूं। इधर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी राज्यवासियों को ईद की बधाई दी
और मुख्यमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि राज्यवासियों को ईद उल फित्र की दिली मुबारकबाद। उन्होंने कहा कि शांति, एकता, हर्ष, उल्लास और उत्साह का ये त्यौहार है। उन्होंने कहा कि सभी के जीवन में ये त्यौहार सुख, समृद्धि और खुशहाली लाए, यही दुआ करता हूं। आज विश्व पृथ्वी दिवस है। भारत समेत दुनिया भर में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण को लेकर जागरूक करना है। जागरूक करवाना और पर्यावरण को क्षति से किस तरह बचाया जा सकता है इसके प्रति सचेत करना है। पर्यावरण संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण है पृथ्वी के शोषण से ज्यादा उसके बचाव पर ध्यान केंद्रित करना और जितना हो सके सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली जिंदगी जीना, जिससे पृथ्वी भी हमारी तरह खुश और खिलखिलाती हरी भरी रह सके। पर्यावरण की सुरक्षा आप सिर्फ पौधे लगाने भर से ही नहीं कर सकते, बल्कि ऐसी कई आदतें हैं और काम हैं जिन्हें करने पर पर्यावरण को बचाया जा सकता है, या कहें पर्यावरण का ख्याल रखा जा सकता है। अपनी छोटी छोटी कोशिशों से आप भी पर्यावरण संरक्षण में योगदान दे सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पृथ्वी दिवस के अवसर पर उन सभी लोगों के प्रयासों की सराहना की है जो धरती को बेहतर बनाने के कार्य में जुटे हैं। सभी लोगों की सराहना करता हूं जो हमारे ग्रह को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने की हमारी संस्कृति के अनुरूप सतत विकास को आगे बढ़ाने के लिए भारत प्रतिबद्ध है। और प्रधानमंत्री ने एक वीडियो संदेश के माध्यम से कहा, पृथ्वी को हमने सजीव माना है। राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में पिछले हफ्ते भर से जारी गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है। मौसम में बदलाव की वजह से कुछ इलाकों में तापमान में 4 से 5 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में एक दो स्थानों पर तेज हवा और गरज के साथ हल्के दर्जे की बारिश हुई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। इस दौरान सबसे अधिक बारिश 1.5 मिलीमीटर पाकुड़ में दर्ज किया गया। रांची स्थित मौसम विज्ञान केन्द्र की पूर्वानुमान रिपोर्ट के अनुसार आज से 27 अप्रैल तक कई इलाकों में तेज हवा और गरज के साथ बारिश हो सकती है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर बाद 2:19 पर पीएसएलवी C-55 प्रक्षेपण यान प्रक्षेपित करेगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन आज श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से दोपहर 2:19 पर सिंगापुर के टेलियोस 2 उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये लॉन्च ISRO यानी कि इसरो के पोलर सैटेलाइट लॉन्च वाहन पर होगा। इसरो लॉन्चिंग में पीएसएलवी C-55 रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है। ये इसरो का सबसे भरोसेमंद रॉकेट रहा है। टेलियोस 2 एक धरती अवलोकन उपग्रह है जो 750 किलोग्राम वजन का है। इसमें सिंथेटिक अपरेचर रडार टेक्नोलॉजी होती है जो 1 मीटर के रेजोल्यूशन के साथ डेटा प्रदान करती है। उपग्रह को फरवरी में सिंगापुर से भारत लाया गया था। इसे ST इंजीनियरिंग द्वारा विकसित किया गया है। टेलियोस 2 उपग्रह विभिन्न एप्लीकेशन के लिए इमेजरी प्रदान करेगा, जैसे हॉटस्पॉट मॉनिटरिंग और हेज मैनेजमेंट। एविएशन दुर्घटनाओं और खोज और बचाव ऑपरेशन में भी ये सहायक होगा। तो काफी महत्वपूर्ण दिन है अंतरिक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने DBT के माध्यम से रिकॉर्ड 3.75 लाख रुपए बचाए हैं। अन्न को बढ़ावा देने को लेकर देश में किस स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं, आइए देखते हैं श्री अन्न से बने आहार सेहत के लिए कितने लाभकारी हैं। आयुर्वेद में मिलेट्स का सेवन स्वास्थ्य के लिए उत्तम माना गया है।
मिलेट्स में भरपूर मात्रा में फाइबर उपस्थित होता है। इसके अतिरिक्त मिलेट्स पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, जो शरीर को सही पोषण प्रदान करते हैं। मिलेट्स के कई रूप हैं। मिलेट्स ये छोटे बीज वाले अनाज की वैरायटी है, जो कि दुनिया भर में हजारों साल पहले से ही उगाई जा रही है। हमने ये देखा है कि ह्यूमन हेल्थ और प्लैनेट हेल्थ दोनों के लिए ये बहुत लाभदायक है। तो मिलेट्स फिर से हमारे डेली डाइट में हम कोशिश कर रहे हैं कि ये वापस लाए जाएं। तो मिलेट्स की तीन वैरायटी होती हैं, मेजर मिलेट्स जो ज्वार बाजरा रागी है, और लिटिल मिलेट्स जो जिन्हें हम झंगोरा चीना के नाम से जानते हैं, और सूडो मिलेट्स जो मिलेट्स की तरह हैं, जो कि चौलाई और कुट्टू का आटा बना करके हम उपयोग करते हैं। मिलेट्स का सेवन करने से सभी आवश्यक पोषक तत्व हमारे शरीर में प्राकृतिक तरीके से पहुंच जाते हैं, और जितनी मात्रा में उनकी जरूरत होती है हमारा शरीर उतनी मात्रा को अवशोषित कर लेता है और बाकी मल के रूप में बाहर निकल जाते हैं। मिलेट्स का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए कई मायनों में लाभदायक है। एक तो इसमें फाइबर की मात्रा बहुत और राइस और वीट के मुकाबले काफी ज्यादा होती है, और फाइबर के हमारे जो बेनिफिट्स हैं वो कई सारे हैं। ये सिर्फ पेट की बीमारियों के लिए नहीं, लेकिन इम्यूनिटी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। दूसरा, मिलेट्स को उपयोग करने के वजह से डायबिटिक्स में जो ब्लड शुगर का उतार चढ़ाव होता है वो कम हो सकता है। तीसरी बात है कि इनमें मिनरल्स की मात्रा काफी अच्छी होती है, जैसे आयरन की मात्रा, कैल्शियम की, फास्फोरस की, मैग्नीशियम की, ये सभी मिनरल्स मिलेट्स में ज्यादा होते हैं कंपेयर्ड टू से राइस एंड वीट। चौथा पॉइंट जो कि फायदेमंद है कि ग्लूटेन सेंसिटिविटी या सीलियक डिजीज से जो लोग जिससे पीड़ित होते हैं उनको ग्लूटेन फ्री आहार की जरूरत होती है, तो मिलेट्स ग्लूटेन फ्री होते हैं। आजकल के जीवन शैली में बीमारियों के बढ़ते खतरे के बीच मिलेट्स का सेवन फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। मिलेट्स वो अनाज है जो हृदय रोग, स्ट्रोक, मधुमेह, उच्च रक्तचाप और कई अन्य बीमारियों के खतरे को कम करते हैं। मिलेट्स का सेवन नियमित रूप से कीजिए और स्वस्थ रहिए। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। दिल्ली पुलिस ने जामताड़ा पहुंचकर फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया है। पुलिस ने गिरोह के सदस्यों के पास से 21,000 से ज्यादा सिम बरामद किए हैं। देखिए, जब शुरुआत हुई तो इसमें यह आया कि एक हमारे जो कंप्लेनेंट हैं उसके 10 लाख रुपए कस्टमर केयर पे कॉल करने के बाद चले गए। तो जब उसको सॉल्व करना शुरू किया तो पता चला कि जो नंबर हैं ये जमतारा में चल रहे हैं, तो वहाँ पे टीम पहुँची और लोकल पुलिस ने काफ़ी सपोर्ट किया, जिसके चलते जो है वहाँ से 5 एक्यूज हम लोगों ने अरेस्ट किए, जिनके पास से 34 फोन हमें मिले और बाकी सिम कार्ड भी इस्तेमाल जो हो रहे थे वो मिले। तो उसके तहत फिर आगे तफ्तीश करते हुए पहुंचे तो ये पता चला कि सिम कार्ड जो हैं ये वेस्ट बंगाल से आ रहे हैं, मुर्शिदाबाद से। नसीम नाम का एक आदमी है जो दे रहा है। तो जब उसके यहाँ रेड हुई तो 21,000 करीब सिम उसके पास से मिले। जिस तरह से ये लोग क्राइम को कंडक्ट करते थे, बताते थे काफी नए लड़के हैं, उम्र भी कम है और डिस्परेटली इसी काम में लग रहे थे, जब आप वहाँ पहुंचे, आपकी टीम पहुंची, तो क्या माहौल आपने देखा जामतारा में और कहाँ से सिम लेकर के आते थे? देखिए, माहौल तो वहाँ पे थोड़ा सा जो है इसी तरह का है, क्योंकि घर घर में बताते हैं यही काम हो रहा है। हालांकि अब वो इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आए, काफ़ी जो है मशक्कत करनी पड़ी इनको ढूंढने के लिए, क्योंकि काफ़ी दूर दराज के इलाके में ये लोग थे। तो जैसा मैंने कहा, लोकल पुलिस का काफ़ी इसमें सपोर्ट रहा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ईडी ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को पूछताछ के लिए 24 अप्रैल को फिर बुलाया। शहर से बाहर होने के कारण कल नहीं हो सके पेश। निबंधन कार्यालय से कई दस्तावेज जब्त। सचिवालय घेराव मामले में धुबा थाने के नोटिस का जवाब देने के लिए आज हाजिर होंगे प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश। विधायक सीपी सिंह और नवीन जायसवाल भी देंगे जवाब।
झारखंड समेत देशभर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्यौहार। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री समेत कई राजनेताओं ने दी ईद की बधाई। और राज्य के ज्यादातर हिस्सों में 27 अप्रैल तक बारिश होने की संभावना। मौसम में बदलाव से 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरा।